हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रसोई रमन के में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं अष्टमी और नवमी के लिए प्रसाद। तो देख लेते हैं हमने किस तरह से बनाया है। जिसके लिए दोस्तों मैंने काले छोले लिए हैं, 250 ग्राम के करीब हैं। इसको मैंने रात को ओवरनाइट के लिए इस तरह से भिगो के रख दिए थे। अब मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब हम कुकर लेंगे और इस छोलों को जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम उतना ही पानी लेंगे जितना कि छोले हमारे अच्छे से भीग जाएं। ज़्यादा भी हमें पानी नहीं लेना है क्योंकि हम सूखे छोले बना रहे हैं प्रसाद के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है, एक चम्मच मैंने नमक डाला है, एक इंच का टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और दो लौंग ली है। आप चाहें तो तेज़पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी हमारे छोलों के अंदर और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब अच्छे से हमें इसको मिला देना है और कुकर के हमें लीड लगा देनी है। अब हम इसको उबाल लेंगे। जब तक हमारे छोले उबल रहे हैं दोस्तों, तब तक हम अपना मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है और दो मैंने हरी मिर्चें ली हैं। कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे कि नमक, एक चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा पौना चम्मच मैंने लाल मिर्ची का डाला है, अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, आधा चम्मच हल्दी, दो चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, धनिया पाउडर आप ज़रूर डालना, और दो चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है। इससे हमारे छोलों में अच्छे से खटास आएगी क्योंकि हम कोई टमाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम छोलों में थोड़ी सी खटास लाने के लिए अमचूर का पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है। अब मैं इसमें एक चम्मच कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ, इससे भी छोलों में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला है थोड़ा सा। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा मसाला, दरदरा सा मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस मसाले से छोले जो हमारे बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। हम देख लेते हैं हमारे छोले उबल गए हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे छोले उबलकर तैयार हो गए हैं। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये इस तरह से देखिए कितने अच्छे से ये गल चुके हैं। बस इस तरह से ही छोले उबलने चाहिए। थोड़े से कच्चे होते हैं ना तो उसका स्वाद इतना अच्छा आता नहीं और मसालों के अंदर अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाते हैं। सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो इसमें ले लेना। अच्छी तरह से हम इसको गर्म कर लेंगे। इसका जो तीखा सा पान होता है ना, उसको हमें निकालना है। आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली है दोस्तों, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिएगा। इससे भी इसके अंदर खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अच्छे से हम इसे भून लेंगे। हमारा जीरा भुन चुका है। अब हम जो मसाला हमने तैयार किया था मैजिक मसाला, उसके अंदर डाल लेंगे। ये जो मसाला होता है ना, ये हमारे छोलों को जो अच्छे से बांध कर रखेगा। अच्छे से हम इसको भून लेंगे ऑयल के अंदर। अब हम इसमें छोले जो हमने उबाल के रखे थे वो हम इसमें डालेंगे। छोलों में जो थोड़ा थोड़ा सा पानी है ना, वो भी हम इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा जो पानी आपका अगर एक्स्ट्रा बच गया है तो उसको आप अभी रख लेना, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे छोले हमारे अगर सूख जाए ना तो हम उसमें पानी वाला ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम उसको बचा कर रखेंगे। अच्छे तरह से हमें इसको मसाले के अंदर भूनना है। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हमारा मसाला इसके अंदर एकदम कोट हो गया है। और इस तरह से आप, ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत में इसे बनाएं, आप वैसे भी अगर इसे बनाएंगे तो ये रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली है, आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं। अब हमारे छोले बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको उतार लेंगे और किसी बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने आटा लिया है, उसमें मैंने एक चम्मच नमक डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, एक कड़छी के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर। इस तरह से जब आप पूड़ियाँ बनाएंगे तो आपकी पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी। अजवाइन नमक और ऑयल डाला है, इससे हमारी पूड़ियाँ जो है बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर हमें इसे गूंदना है। आटा हमें उस तरह से लगाना है कि ना ज़्यादा ढीला हो ना ही ज़्यादा सख्त हो। ये देखिए, हमारा आटा गूंद कर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको ढक कर रख दूँगी। आधे घंटे के लिए हम इसको इस तरह से ढक कर रख देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हम अपने हलवे की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए दोस्तों मैंने एक कटोरी सूजी ली है। सूजी आपको फाइन ही लेनी है, यानी कि बारीक वाली लेनी है। अगर आपकी सूजी मोटी है तो आप एक मिक्सी में इसको चला लीजिए, वो ऐसे थोड़ी सी बारीक हो जाएगी। और एक ही कटोरी मैंने देसी घी का लिया है। मोटे तले की कढ़ाई लेनी है। घी को हम डालेंगे, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें अपनी सारी सूजी डाल देंगे दोस्तों। उसको हम अच्छे से भुनना है और बिल्कुल सिम गैस पर ही हमें इसे भुनना है ताकि नीचे से जले ना। गैस की फ्लेम हम बिल्कुल सिम कर देंगे। उसको हमें तब तक भुनना है जब तक इसमें से अच्छे से खुशबू आने लग जाए और ये अच्छे से भुन ना जाए। मैंने इसमें एक चम्मच बेसन डाला है दोस्तों। इस तरह से आप बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करना क्योंकि इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें आटा भी डाल सकते हैं,
लेकिन हलवे के अंदर बेसन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ये हमारे हलवे को जो है अच्छे से दानेदार बना के रखेगा। जब तक हमारी सूजी भून रही है, जब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। एक कटोरी मैंने सूजी की ली थी, तो 3 से 3.5 कटोरी मैं पानी डालूंगी। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। इससे जो है हमारे हलवे में बहुत ही अच्छे से चमक आती है। 1/2 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें कलर डाला है, येलो कलर। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे हलवे के अंदर जो है सूजी अपना घी छोड़ने लग गई है। अब हमें इस पानी के अंदर 1 कटोरी चीनी भी डाल दूंगी। अब हम इसे चाशनी रख लेते हैं गैस के ऊपर। जब तक हमारी चाशनी बन रही है, तब तक हम सूजी को अच्छे से भून लेते हैं। सूजी को भूनने में कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाते हैं सेम गैस के ऊपर। बस हमारी सूजी भुनने वाली है। इस स्टेज पर हम जो है अपने जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, ताकि अच्छे से ये भी क्रंची हो जाए। अब सूजी हमारी भुन चुकी है। अब हम इसमें जो है हमारी चाशनी तैयार हो गई है, हम इसके अंदर डालेंगे धीरे धीरे करके। मैंने इसको गैस के ऊपर से उतार लिया है, नहीं तो एकदम से छींटे भी लग सकते हैं। ध्यान से आप डालना धीरे धीरे। अब इसको अच्छे से, ये देखिए सूजी हमारी फूलने लगी है और पानी एकदम से सूख जाएगा, पता भी नहीं चलेगा पानी कहाँ चला गया। अब इसको फिर से गैस के ऊपर रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों सूजी भी अब फूल चुकी है, पानी भी इसने सारा सोख लिया। मैं इसमें किशमिश डाल दूंगी। किशमिश मैंने पहले तब नहीं डाली थी, क्योंकि किशमिश क्या होता है ना कि पानी जब हम डालते हैं तो फूल जाती है, अंगूर जैसे बन जाती है। देसी घी डाल रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से चमक आए। इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। अब हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया, हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा हलवा भी बन चुका है। जो हमने आटा गूंद कर रखा था दोस्तों 1/2 घंटे के लिए, वो बिल्कुल तैयार हो गया है। हम इसकी लोइयां बनाएंगे। इस तरह से हमने बड़ा सा पेड़ा लेना है, उसको इस तरह से घुमा घुमा कर हम इसको काट लेंगे नाइफ से। छोटी छोटी सी लोइयां बनानी है हमें इसकी। आप जिस साइज़ की पूड़ियां बनाना चाहते हैं उतनी ही आप लोइयां ले लेना। इस तरह से पेड़ा इसका बना लेंगे। इस तरह से भी आप पूड़ियाँ बना सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा घी लगाकर। और हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। एक तो इसमें थोड़ी देर भी लगती है और सही से गोल भी नहीं बनती है। जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह से मैंने सूखा आटा ले लिया है, और इस तरह से हम इसे पूड़ियों को बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी बनेगी, और वो भी नहीं होगी आपकी टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होगी, तो एकदम बहुत ही अच्छे से बन जाएगी और जल्दी से भी बनती है इस तरह से। तो आप इस तरह से भी पूड़ियाँ बना सकते हैं। मैं तो हमेशा इस तरह से ही बनाती हूँ। अब हम पूड़ियों को इस तरह से फुला लेंगे। इस तरह से हम सारी पूड़ियों को इस तरह से बेल कर रख लेंगे और फटाफट से हम बनाते रहेंगे। देखा ना आपने कितने अच्छे से ये पूड़ियाँ बन रही है इस तरह से हम बनाएंगे तो, और बहुत ही अच्छे से ये बन जाती है और टूटती फटती भी नहीं है। तो दोस्तों हम इस तरह से सारी पूड़ियाँ अपनी बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों जब तक हमारी पूड़ियाँ बन रही हैं, तब तक आप एक काम ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए हमारा भोग प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में आप बता सकते हैं दोस्तों। तो आप अष्टमी और नवमी के लिए आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।